उत्तर प्रदेश के शहर हिम्मतगंज अलाहाबाद में वाका सूफी बुजुर्ग हजरत सईद मुनवर अली शाह कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हिंदुस्तानी गंगा जमुनी तहजीब की एक अलामत है। इस दरगाह पर हाजिरी देने वाले हिंदू मुस्लिम अकीदतमंदों का एक ही अकीदा है, वो ये कि इस दरगाह पर हाजिरी देने से सुकून और तस्कीन कल्ब मैसर होता है। सईद शाह मुनवर अली उमर दराज कादरी बगदादी अलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद थे हजरत शाह दौला बंगाली के। ये इस्लाउल आबाद हिंदुस्तान के रहने वाले थे, इसी वजह से उन्हें शाह मुनवर अलाहाबादी दहलवी भी कहा जाता था। हुजूर मुनव्वर सैयदना सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद में पैदा हुए, जो इराक़ की राजधानी है, और जब बड़े हुए तो आप हुजूर गौसे आज़म, जिनको पीरान पीर भी कहते हैं, और उनका नाम सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है, उनकी बारगाह में हाजिर हुए। वहाँ पर आप मुरीद हुए और उनकी खिदमत में रहे, और 22 साल तक कहा जाता है कि 22 साल से ज़्यादा जो है आपकी खिदमत में रहे। और उसके बाद जो है जब गौस पाक ने उनको जो है वहाँ से रवाना किया, हज़रत कबीरुद्दीन शाह दूला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, जो बाबा के पीर भाई भी थे, तो गौस पाक ने एक बार फरमाया था कि ए मुनव्वर अली मुझसे तुम और तुमसे, ए कबीरुद्दीन मुझसे तुम और तुमसे मुनव्वर अली। तो उसमें इस बात का इशारा था कि खिलाफत, इसमें खिलाफत होती है, इजाज़त होती है। तो बाबा को जो है गौस पाक ने बिलवास्ता खिलाफत भी दे दिया था और फरमाया था कि ए कबीरुद्दीन मुझसे तुम और तुमसे मुनव्वर अली। वो गौस पाक के चचाजाद भाई भी थे, मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, हज़रत कबीरुद्दीन शाह दूला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह। तो जब गुजरात में आए तो गुजरात में सैयदना कबीरुद्दीन शाह दूला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत दिया, खिलाफत से नवाजा, और 5,000 करामतों से भरा हुआ एक मकतूब भी अता किया, एक किताब जो है आपको दी, और गुजरात से आपको इलाहाबाद रवाना किया। तो आप वहाँ से तशरीफ़ लाए और यहीं पर जो है आप कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर और तारीख़ से पता चलता है कि दूसरे मुल्कों से आपको जो है खिलाफतें भी मिली हैं। 6 सदी हिजरी के बाद जो है आप वहाँ पहुँचे, तारीख़ से पता चलता है। उसके बाद बड़े बड़े बुज़ुर्गों से मुलाकात की, तमाम कई ममालिक में आपने सफ़र किया, बड़े बड़े मशायख से, सूफ़ी संतों से आपने मुलाकात की, और उनसे खिलाफत भी मिली आपको। कई खिलाफतों का तذکرہ मिलता है किताबों में, तवारीख आईने तसव्वुफ़ में जो है आपकी खिलाफतों का तذکرہ है, और बड़े बड़े बुज़ुर्गों का तذکرہ है, और ये उससे साबित होता है कि आपको कई बुज़ुर्गों से खिलाफतें मिली हैं। और उसके बाद फिर आप इलाहाबाद तशरीफ़ लाए तो यहीं रह गए, हाँ यहीं पर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी और लोगों को फैज़याब करते रहे। हज़रत सईद मुनव्वर अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आरिफुल आरिफ कदवतुल औलिया, हज़रत अमजद अली शाह जाफरी कादरी कुदसरा के बड़े फर्जंद और जानिशी हैं। आगरा में 1195 हिजरी यानी 1781 सन को पैदा हुए। कमसिनी में एक रोज हुजूर फर्जंद गौसल आजम महुद्दीन सानी शाह अब्दुल्ला बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी जबान पर अपना लहाब दहन लगाया और फरमाया कि इसकी जबान मेरी जबान है। इस इरशादी मुबारक की बरकत से सारी उम्र आपकी जुबान से जो अमर जारी होता वो पूरा हो जाता था। यही अकीदा लेकर यहाँ अकीदतमंद अपने हाजात की रवायों की खातिर हाजिरी देते हैं, जबकि हाजिरी देने वालों में मजहब की कोई कैद नहीं। मौलाए कुल 15 साल से हम आ रहे हैं, और मेरी जेठानी की थी मेरे पति को, और हमको बेटी भी मेरी हुई यहीं पे, बाबा के करम से बेटी हुई है मेरी। बाबा के यहाँ जो भी आता है, हिंदू मुस्लिम सबकी बाबा पूरी करते हैं, सबका बाबा सुनते हैं। हमको भी बाबा बहुत कुछ दिए, आज भी हम आए हैं तो बाबा से लेने ही आए हैं।
यहाँ की मान्यता बहुत है कि जो भी आता है यहाँ बाबा के पास से लेके ही जाता है, खाली झोली कभी कोई नहीं लौटता यहाँ से। अक्सर बादशाह उमरा आपके मुरीदों में शामिल थे। हिंदुस्तान भर में सिलसिले कादरी के बुजुर्गों में आपका नामे नामी मोहताज तारुफ नहीं। बहुत कम उम्री पाई लेकिन बड़े बड़े काम अंजाम दिए। खिदमत खल्क और इबादत के साथ इज्जत और पाकिजगी की जिंदगी बसर की। आपके चार साहिबजादे थे जिसमें हजरत सईद अमीर अली शाह साहब और हजरत सईद मुजफ्फर अली शाह साहब ने लंबी उम्र पाई। दोनों नजर ग्यारहवीं शरीफ व उर्स महफिल का इनाकाद साथ साथ करते और अपने दादा की कायम करदा रवायतों को आगे बढ़ाते रहे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं और यहाँ जो है तो सरकार का बहुत बड़ा आस्थाना है। ये मुनव्वर शाह रहम दाता रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अकदस है और यहाँ पे जो भी गरीब आता है, मजबूर आता है, परेशान आता है, उसकी हाजिर लगती है, जो भी होता है परेशानियाँ होती सब उसकी यहाँ पे हल होती हैं। और जो भी है तो सबको एक नज़र से देखा जा रहा है, उसमें कोई यूनिक कोई ये हिंदू है कि मुसलमान से कोई बात नहीं, अपना अपना कोई नफरत की बात नहीं है और इनके आस्थान में सब सिफा होकर जाते हैं, जो आते हैं वो लेके जाते हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है उनके बारे में कि क्यों न हूँ हजरत मुनव्वर शाह हल्ले मुश्किलात गौस के हाथों से पी कर आए हैं आब हयात। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त फैज़ मिलता है लोगों को और लोग फैज़याब होते हैं। आप जब देखेंगे वहाँ पर दरगाह शरीफ में, वहाँ पर जो है एक से एक मरीज़, हर तरह के पागल और आसेबज़दा सिफली वाले जादू जिनके ऊपर किया रहता है, सारे हर किस्म के लोग आते हैं और वहाँ से 40 दिन के बाद शिफा मिल जाती है, अच्छे होके चले जाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सूफी बुजुर्गों की दरगाहों की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीर में सूफियत का मरकज है तो भारत इसका मस्कन है। सूफी बुजुर्गान दीन के मजार और दरगाहें ऐसी जगहें हैं जहां हर कोई बिला रोक टोक जा सकता है और हर तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वालों का खैर मकदम किया जाता है। हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई हो या फिर गरीब अमीर अफसर या मुलाजिम, दरगाहों में सभी को यकसां अहमियत दी जाती है। दरगाहों में सभी को प्यार और मोहब्बत और अमन अमान का पैगाम मिलता है। यहाँ हर कोई अपनी हाजत लेकर आता है और सूफी बुजुर्ग की दुआ लेकर वापस लौटता है। जम्मू कश्मीर समेत भारत भर में दरगाहों पर लोगों का आना जाना बहुत होता है और वहां जाकर जिस सुकून का एहसास होता है उसका बयां मुमकिन नहीं। मसाजिद में लोग नमाज पढ़ने और इबादत करने के मकसद से जाते हैं, लेकिन जिन्हें चैन और सुकून की हाजत होती है वो दरगाहों में पनाह लेते हैं। रिजिक छुई ब्रह ब्रह मौत पत पतई, रिजिक छुई ब्रह ब्रह मौत पत पतई, दुनिया छुई शहरुख वतगत, सरतन खुदाई गार तहजई वतई, सरतन खुदाई गार तहजई वतई, बेटे माली रोजान नेको बद कत। रिजिक तुम्हारे आगे आगे है और मौत पीछे पीछे, दुनिया एक सराय है, खुदा और उसकी राहें तलाश करते रहे, खुदा और उसकी राहें तलाश करते रहे, यहाँ बस नेकी और बदी रहा करती है।